हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज हम ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं कि जो कि हम लोग हर रोज़ाना देखते हैं लेकिन उसकी मालूमात कम होती है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग टिपिकल नाम से जानते हैं लेकिन उसकी डिटेल्स जानकारी नहीं होती है। तो आज के वीडियो का टॉपिक भी वही है दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्रिज। आज के वीडियो में मैंने बताया है कि कितने टाइप्स के ब्रिज होते हैं, कौन से एरिया में या कौन से फंक्शंस के लिए कौन से ब्रिज बनाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मुझे कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि आपने अभी तक कौन कौन से टाइप्स के ब्रिज देखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, टाइप्स ऑफ ब्रिज। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो टाइप्स ऑफ ब्रिज। दोस्तों, थोड़ा सर्दी जुकाम है, आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी पुअर हो सकती है, माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग आज देखने वाले हैं 7 टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। तो ये कौन कौन से टाइप्स है और इनका क्या एडवांटेज है, ये सब मैं आज बताने की आपको कोशिश करूँगा। विथ इमेज आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि कौन से ब्रिज का क्या एलिवेशन होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं केबल स्टे ब्रिज। तो दोस्तों, केबल स्टे ब्रिज की मैं आपको एक इमेज सामने लाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल है केबल स्टे ब्रिज का। इस ब्रिज में एक या एक से अधिक टावर खड़े किए जाते हैं। इस ब्रिज की जो मेन खासियत जो है वो केबल होती है दोस्तों, कि जो कि टावर को कनेक्ट करती है सीधे डायरेक्ट जो ब्रिज का जो डेक होता है उसको। दोस्तों, इस ब्रिज की एक खासियत ऐसी है कि इसे बनने में ना कम समय लगता है और यह डिज़ाइन के स्वरूप में एक मजबूत ब्रिज को माना जाता है। दोस्तों, इस ब्रिज की स्पैनिंग जो होती है, स्पान कैपेसिटी हम जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा होती है। 150 मीटर से लेके 600 मीटर तक इसका स्पैन हो सकता है। और इस ब्रिज की एक ख़ास बात यह है दोस्तों कि वर्ल्ड में जितने भी टॉल ब्रिजेस बने हैं, जितने भी ऊंचाई पे ब्रिजेस बने हैं, वो सब केबल स्टे ब्रिज ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, आगे हम देखेंगे दूसरा टाइप्स ऑफ ब्रिज। दूसरा हमारा टाइप है सस्पेंशन ब्रिज। तो ये ब्रिज जो होता है दोस्तों, इसका खासियत ये है कि यहाँ इसमें ना रोप यूज़ किया जाता है, तो स्टील रोप यूज़ करने की वजह से ये ज़्यादा मजबूत माना जाता है। सस्पेंशन ब्रिज में दोस्तों, जो केबल होती है तो उसको क्या करते हैं, टावर से सपोर्ट लेते हैं। टावर से सपोर्ट लेके केबल को कनेक्ट किया जाता है और ये केबल जो होती है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी होती है। इसीलिए इसका जो लोड होता है वो लोड ट्रांसफ़र होता है डेक के ऊपर। तो दोस्तों, ज़्यादातर नदियों के ऊपर यही ब्रिज बनाया जाता है, सस्पेंशन ब्रिज। और दोस्तों, जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक जोन जहाँ पे होता है, वहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज ज़्यादातर देखने मिलेंगे आपको। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारा ब्रिज है आर्च ब्रिज। तो दोस्तों, आर्च ब्रिज का इमेज मैं आपके सामने लाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, तो इस इमेज में तो एक बात है कि आर्च आप ब्रिज के नीचे देख रहे हो। इसमें और एक प्रकार होता है कि ब्रिज के ऊपर भी आर्च होती है, मतलब दो तरह के ब्रिज होते हैं जिसमें एक आर्च ऊपर होती है, एक आर्च नीचे होती है। दोस्तों, आर्च ब्रिज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। आपने देखे होंगे कि पुराने कुछ ब्रिज हमने स्टोन से बने हुए होते हैं। पहले स्टोन, नेचुरल स्टोन जो होते थे वो ईज़िली अवेलेबल होते थे, इसके लिए दोस्तों ज़्यादातर स्टोन के ही आर्च ब्रिज बनाए जाते थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिज कौन सा है देखते हैं, हमारा कैंटिलेवर ब्रिज है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपको इमेज इसकी सामने लाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये कैंटिलेवर ब्रिज है। तो कैंटिलेवर ब्रिज जो है, ये एक कैंटिलेवर मेंबर है, इसके लिए इसका नाम यह कैंटिलेवर ब्रिज हुआ है, क्योंकि ये एक एंड में फिक्स होता है और दूसरा एंड में फ्री होता है। दोस्तों, जैसे आप सिविल इंजीनियर हो, आपको मालूम है कैंटिलेवर भी। दोस्तों, कैंटिलेवर ब्रिज की एक खासियत ऐसी है कि ये हेवी वेट है ना कैरी कर सकता है। जैसे हेवी लोड ट्रक्स हुए या हेवी मटेरियल लोडिंग किए हुए ट्रेन्स हुए, तो ऐसी जगह पे ये कैंटिलेवर ब्रिज प्रोवाइड किए जाते हैं। कैंटिलेवर ब्रिज का एक और एडवांटेज ऐसा है दोस्तों कि ये सूटेबल फॉर लॉन्गेस्ट स्पैन के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें कोई फॉल्स वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है।
दोस्तों आपने ज़्यादातर कैंटिलीवर ब्रिज जो है वो नदियों में रिवर्स में देखे होंगे, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि ये अर्थक्वेक जोन में सूटेबल नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड पे। तो अगला टाइप ऑफ ब्रिज है हमारा ट्रस ब्रिज। तो दोस्तों ये देखिए, ये इमेज है ट्रस ब्रिज की। मल्टीपल ट्राइंगल बनाकर वेट को डिस्ट्रीब्यूट करके ये ब्रिज बनाए जाते हैं दोस्तों। ये ट्रस ब्रिज फेमस है मिलिट्री ब्रिजेस के लिए, क्योंकि इनकी खासियत यह है कि ये आपको डिफ़िकल्ट प्लेस में भी आप इजीली बना सकते हैं। इसको पीस बाय पीस मेड करके इसको आप इजीली बना सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि दोस्तों इसमें ना स्ट्रांग लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, इसके लिए ये मिलिट्री वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिज है हमारा टाई आर्च ब्रिज। तो टाई आर्च ब्रिज की मैं इमेज आपके सामने अभी लाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है टाइड आर्च ब्रिज। तो दोस्तों ये भी एक तरह का आर्च ब्रिज है, इसके पहले हमने आर्च ब्रिज देखा हुआ है, तो वैसे ये भी एक टाई आर्च ब्रिज है दोस्तों। ये ब्रिज दोस्तों आर्च ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज की तरह काम करता है। आर्च ब्रिज जो है दोस्तों वो अनस्टेबल सॉइल होती है, वहाँ पर ज़्यादातर बनाए जाते हैं। टाई आर्च ब्रिज दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और रिस्की भी होते हैं। चलते हैं दोस्तों हमारे आखिरी टाइप्स ऑफ ब्रिज के पास, वो है बीम ब्रिज। तो दोस्तों बीम ब्रिज आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि ये एक पिलर बेस सपोर्ट करने के लिए बीम ब्रिज बनाया जाता है। और ज़्यादातर जिस एरिया में फ्लड होता है, महापूर आता है, उस एरिया में आपको ये बीम ब्रिज ज़्यादातर देखने मिलेगा। हेवी ट्रक या हेवी लोडेड जो ट्रेन्स होती है उनको पास होने के लिए ये ऐसे बीम ब्रिज बनाए जाते हैं, और ये बहुत मोस्ट कॉमन ब्रिज है दोस्तों। बीम ब्रिज जो है वो टिम्बर, आयरन या स्टील या आरसीसी के भी होते हैं दोस्तों, और बनाने के लिए बहुत आसान होते हैं। इसके लिए रूरल या अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर आपको बीम ब्रिज दिखाई देते हैं, इकोनॉमिकल भी ये होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ ब्रिज के साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज का भी वीडियो एक जॉइंटली बनाने वाला था, लेकिन वीडियो लेंदी ना हो जाए इसके लिए मैंने पार्ट पार्ट में बनाया है दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज के ऊपर मैं एक अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी। उसमें बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन पर्पज़ या अकॉर्डिंग टू लेंथ या सुपर स्ट्रक्चर या स्पैन, ये सब डिटेल आपको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा आवाज़ बदल गया है मेरा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले दोस्तों आपसे दो बातें शेयर करूंगा कि ब्रिज की खास बात यह है कि जब भी ब्रिज को डिज़ाइन किया जाता है ना, वो टॉप से डाउन किया जाता है डिज़ाइनिंग में, और जब भी बनाया जाता है तब नीचे से ऊपर, मतलब डाउन से अप में बनाया जाता है। ये कुछ मुझे अच्छा लगा, बताने लायक लगा, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि ब्रिज बनाते वक्त सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, एक तो टेंशन और उसका कंप्रेशन फोर्स। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट्स करके कह सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तबीयत ख़राब होने के बाद भी डेली एक वीडियो लेकर आता हूँ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज शेयर करने के लिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।